नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लिख रहे हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ पर जितनी भी रचनाएं हैं हिंदी में, जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं बनती हैं, उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं वो पहले कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी 100% जो है ये पूछी जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं और इन रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपका आपके जो अंक है वो रचना और रचनाकारों से संबंधित जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और इन रचनाओं को जो है अच्छे से आप याद कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर। सबसे पहली रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर जी की रचना है। फिर है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ जी की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है 252 वैष्णव की वार्ता में जो है वो तुलसीदास और नंददास को जो है भाई बताया है, नंददास को तुलसीदास जी का। आगे है 84 वैष्णव की यात्रा। 84 वैष्णव की यात्रा भी जो है गोकुलनाथ जी की रचना है। तो ये दोनों रचनाएं काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे है श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार रसमंडल जो है वो विट्ठल नाथ जी की रचना है। वैशाख महात्मय। वैशाख महात्मय जो है वैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। अष्टयाम। अष्टयाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है नाभादास जी की। बनारसी दास विलास। बनारसी दास विलास जो है बनारसी दास की रचना है। इसके नाम में ही इसके लेखक का नाम है तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे है भक्तमाल प्रसंग। भक्तमाल प्रसंग जो है वो वैष्णव दास जी की रचना है। चंद छंद वर्णन महिमा। चंद छंद वर्णन महिमा जो है वो कवि मंग की रचना है। गोरा बादल की घटा कथा। तो गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल की रचना है। भाषा योग विशिष्ट। भाषा योग विशिष्ट जो है वो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। और पद्म पुराण जो है वो पंडित दौलत राम जी की रचना है। आगे है रानी केतकी की कहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इंशा अल्लाह खान की रचना है। सुख सागर जो है वो मुंशी सदा सुख लाल की रचना है। इस रचना में भी सुख और सुख जो है रचना और रचनाकार दोनों के नाम में है तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना है। माधव विलास लल्लू लाल जी की रचना है। नासी केतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। आगे है भाग्यवती। भाग्यवती जो है वो श्रद्धा राम फुलोरी जी की रचना है। योग विशिष्ट के चुने हुए श्लोक ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। नीचे तक शिव प्रसाद सितारे हिंद की कई रचनाएं दी गई हैं। उपनिषद सार बामा मनोरंजन आलसियों का कोड़ा विद्यांकुर ये सभी शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचनाएं हैं। इसके नीचे भी कुछ रचनाएं दी गई हैं। राजा भोज का सपना इतिहास तिमिर नाशक बेताल पच्चीसी ये सभी जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर है इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ये सभी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से जो है रचना और रचनाएं जो है पूछी जाती हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सुयोगिता स्वयंवर है जो लाला श्रीनिवास जी की रचना है। सबरस मौला बजही जी की रचना है। शिकारनामा मैसूदराज बंदानवाज की रचना है। नहुष गोपाल चंद्र जिन्हें गिरिधर दास भी कहा जाता है। निस्हाय हिंदू। निस्हाय हिंदू जो है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। 100 अजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट की
काफी प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र जी की रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जो है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की भी काफी रचनाएं दी गई हैं। श्रृंखला की कड़ियां, अपनी कहानी, दीपशिखा, निर्जा, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र काफी प्रसिद्ध रचना है। पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी जो है वो महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे है हठी हमीर और कली कौतुक, ये दोनों ही रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। आगे है मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि जी की रचना है। चंपारण में महात्मा गांधी, तो चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अनंत अथाह सागर, तो अनंत अथाह सागर जो है वो जयप्रकाश भारती जी की रचना है। और सेवाराम की डायरी जो है वो श्रीराम शर्मा जी की रचना है। आगे है रस मीमांसा, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं दी गई हैं। रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास और 11 वर्ष का समय, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे है नरदेव शास्त्री, देवतीर्थ की जेल डायरी, ये नरदेव शास्त्री जी की रचना है। और शेष स्मृतियां, सप्तदीप, जीवन कर्ण, मालवा में युगांतर, बिखरे फूल, ये सभी रचनाएं जो है रघुवीर सिंह की है। आगे डॉक्टर नगेंद्र जी की कुछ और रचनाएं दी गई हैं। आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, देव और उनकी कविता, अप्रवासी की यात्राएं, छंदमयी, सुमित्रानंदन पंत, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र जी की रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। और इसके बाद है चितवन की छांव, तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाली, ये सभी रचनाएं जो हैं वो विद्या निवास मिश्र जी की हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है। अर्धनारीश्वर, सूरज काव्या, तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। भोर का तारा, भोर का तारा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। वैशाली की नगर वधु काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी आचार्य चतुरसेन जी की रचना है। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय जी की रचना है। भूदान यज्ञ, भूदान यज्ञ जो है आचार्य विनोबा भावे जी की रचना है। साहित्य अवलोकन जो है वो बिने मोहन शर्मा जी की रचना है। और इसके बाद है तूफानों के बीच, तूफानों के बीच जो है वो रांगे राघव जी की रचना है। सुबह के रंग, अमृत राय, कमल का सिपाही भी अमृत राय जी की रचना है। और सिंहावलोकन जो है यशपाल जी की रचना है। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अंधा युग, सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी की तीन रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें। तो आगे है डायरी के पन्ने, घनश्याम दास बिड़ला की रचना है। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, तो इनमें से कुछ प्रसिद्ध जो उनकी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त,
अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, कामायनी, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। परती परिकथा, पंचलाइट, ये तीनों ही रचनाएं जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। आगे प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्म भूमि, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये सभी रचनाएं प्रेमचंद जी की है। प्रेमाश्रय प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है। आगे है चंद्रलेखा, भगवती शरण चरण वर्मा जी की रचना है। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा की ये भी काफी प्रसिद्ध रचना है। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी की रचना है। आगे है निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी की रचना है। निराला की आत्मकथा, रामविलास शर्मा की रचना है। दीप दान, राम कुमार वर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर जी की रचना है। मानस का हंस भी अमृतलाल नागर की रचना है। इसके अलावा अमृतलाल नागर की जो बहुत बार पूछी जाती है, अमृत और विष, इसे भी याद रखें, अमृत और विष, ये भी अमृतलाल नागर जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। राज मुकुट जो है वो गोविंद बल्लभ पंत जी की रचना है। तो ये थी कुछ हिंदी की प्रसिद्ध रचनाएं और उनके जो रचनाकार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।